सभी एलोपैथिक दवाई की बाप है त्रिफला, और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं फेंक रहा। इस वीडियो में मैं आपको त्रिफला को लेने के 10 अलग अलग तरीके बताऊंगा, 10 अलग अलग रोगों में अलग अलग लेने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप खुद त्रिफला का कहना मानेंगे। अब उससे पहले मैं आपको एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ कि त्रिफला में क्या क्या चाहिए पड़ता है। कई लोगों को ये पता है कि हरड़, बहेड़ा और आंवला बस, लेकिन अगर सही जाने तो बड़ी हरड़ जो कि नई है, या ऐसा ऐसा कह लीजिए कि जिसको सूखे हुए 3 से 4 महीने हुए हैं, वही होती है बड़ी हरड़ और जो कि नई कहलाती है, जो कि पीले कलर की होती है। दूसरे नंबर पर है उत्तम बहेड़ा और तीसरे नंबर पर है नया आंवला। नया आंवला वही जो कि 3 से 4 महीना पुराना हो। मात्रा वही रहेगी 3:2:1, यानी कि 3 भाग आंवले का, 2 भाग बहेड़े का और अंत में 1 भाग हरड़ का। अब शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है नेत्र रोग। अगर आप आंखों के रोग में त्रिफला का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आपको त्रिफला कैसे लेना चाहिए, आपको करना क्या है कि रोज रात को खाना खाने के बाद या शाम को खाना खाने के बाद आपको 5 ग्राम की मात्रा में त्रिफला लेना है, 5 ग्राम की मात्रा में शहद लेना है और दोनों को मिक्स करके डिनर करने के आधे घंटे बाद इसका सेवन करना है। ध्यान रहे ये पूरे दिन में आपकी अंतिम चीज होनी चाहिए जिसका सेवन आप कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 9th पॉइंट पर, जिसमें खांसी में त्रिफला का इस्तेमाल कैसे करें। जब कभी भी लगे कि खांसी ज्यादा चल रही है तब आपको करना क्या है कि त्रिफला को घी के साथ और घी से आधी मात्रा में शहद के साथ इसका एक अवलेह तैयार कर लेना है, एक पेस्ट टाइप तैयार कर लेना है। अब कई लोग बोलते हैं कि शहद और घी जहर होता है, जो कि समान मात्रा में होता है, विषम मात्रा में नहीं होता। यहाँ हमने घी ज्यादा लिया है और शहद कम लिया है। अब 1 चम्मच घी, 1/2 चम्मच शहद और 1/2 चम्मच त्रिफला, इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके जब भी आप भोजन, नाश्ता या कोई आहार का सेवन करें उसके आधे घंटे बाद इसका सेवन करना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 8th पॉइंट पर, जो है कि मेद रोगों में यानी कि मोटापे में त्रिफला का इस्तेमाल। अगर आपको त्रिफला का मोटापे में इस्तेमाल करना है तो इसको शहद के साथ, यहाँ पर विशेष करके 1 साल पुराना शहद का इस्तेमाल करना है, या 1 गिलास गुनगुने जल में 1 चम्मच शहद मिला दे, 1 साल पुराना शहद मिलाना है और उसमें 1 चम्मच ही त्रिफला घोलकर रोज सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश हो जाने के बाद इसका सेवन करना है। और ध्यान रहे इसको ले लेने के बाद पूरे 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, ना ही आप कुछ पी सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट पर, जो है कि त्रिफला को रसायन के रूप में इस्तेमाल करना। रसायन यानी कि त्रिफला को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना। इसमें अलग अलग मौसम में त्रिफला को अलग अलग चीजों के साथ इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर खुल गई होगी। और ऐसे आप वीडियो को पॉज करके या इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप वीडियो खत्म हो जाने के बाद इसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 6th पॉइंट पर, जिसमें हम डायबिटीज में त्रिफला का इस्तेमाल करने के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कि आपने 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण लिया है तो उसमें हमें 1 चम्मच ही हल्दी लेनी है और उससे दुगनी मात्रा में हमें मिश्री लेनी है। यहाँ पर मैं कटिंग वाली मिश्री की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ धागे वाली मिश्री की। तीनों को मिक्स करके इसका एक पाउडर तैयार हो जाएगा। उस पाउडर को आप कभी भी गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट पर, अगर आपको बड़े लंबे समय की कब्ज है तो डिनर करने के बाद 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला की फनकी मारकर ऊपर से पानी पी लें। सुबह जब भी आप उठेंगे तो आपको पेट में प्रेशर बना हुआ ही मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट पर, जिसमें आपको फेन युक्त मूत्र आ रहा है या मूत्र में झाग उत्पन्न हो रहा है तो इसमें आप त्रिफला को अम्लतास के साथ और शहद के साथ बराबर मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 3rd पॉइंट पर, जिसमें अगर आपको डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम होती है तो रोज सुबह खाली पेट 1/2 चम्मच त्रिफला को गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना शुरू कर दें। 3 से 4 दिन में ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। पेट एकदम सेट रहेगा, भूख बराबर लगेगी और गैस, कब्ज, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम दूर होगी। अब आगे बढ़ते हैं 2nd पॉइंट पर, जिसमें हम पित्त रोगों में त्रिफले के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। अगर आपको पित्त से जुड़ी कोई प्रॉब्लम होती है तो जब भी आप खाना खाते हैं उसके बीच में, यानी कि अगर आप 4 रोटी का सेवन करते हैं तो 2 रोटी का अगर आप सेवन कर लें तब आपको बीच में ही 1/2 चम्मच या 1 चम्मच जितनी भी मात्रा में आप अपनी समस्या अनुसार इसका सेवन करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप 1/2 चम्मच त्रिफला लेते हैं तो उसमें 1/2 चम्मच ही नया शहद लेना है, यानी कि 1 साल नया जिस शहद को बने हुए 1 साल से कम समय हुआ है वो शहद कहलाता है नया शहद, और उसमें 1 चम्मच आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिला देना है। इन्हें तीनों को अच्छे से मिक्स करके इसका सेवन करें और उसके बाद बची हुई 2 रोटी का सेवन करें। अब आगे बढ़ते हैं 1st पॉइंट पर, जो है कि मौसम के बदलने से कई व्यक्तियों को बुखार हो जाता है, और जो छोटे मोटे बुखार में या नए बुखार में अगर आप त्रिफला का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें बराबर मात्रा में त्रिफला, पीपल और शहद तीनों को मिक्स करके खाना खाने के आधे घंटे बाद इसका सेवन करें। 2-3-4 दिन में ही बुखार शांत हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखिए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।